आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग्स एंड एरे इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एरे और स्ट्रिंग को आप कैसे यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में एरे और स्ट्रिंग को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। स्ट्रिंग होता क्या एग्जैक्टली, फर्स्टली तो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, मल्टीपल कैरेक्टर्स का ग्रुप। मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर एक साथ एक सेट पे रखा जाए तो उस सेट को आप क्या बोलते हो, स्ट्रिंग। देन एरे, मल्टीपल डाटा एलिमेंट का एक कलेक्शन, उसको आप क्या बोलते हो, एरे। देन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम उन्हीं यूज को, उसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग और एरे। स्ट्रिंग को एक्सेस करने का सिंपल सा मेथड है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए आपको स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करना है। देन बेसिकली इस वीडियो में हम यही देखेंगे कौन से स्ट्रिंग फंक्शन और कौन से एरे फंक्शंस यूज करके आप स्ट्रिंग्स को और एरे को हैंडल कर सकते हैं। देन गाइस, अब देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या चीजें हमको देखनी है, उनके कंटेंट को हम यहाँ से डिस्कस करें। टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता क्या है। सेकंड स्ट्रिंग एक्सेस मेथड, पर्टिकुलर मेथड विच आर यूज टू एक्सेसिंग द स्ट्रिंग और कॉल द स्ट्रिंग एक्सेसिंग मेथड। नेक्स्ट एरे, व्हाट इज एरे एंड हाउ कैन बी डिक्लेयर एन एरे। देन एरे एक्सेसिंग मेथड, हाउ कैन बी एक्सेस एन एरे। देन मल्टी डायमेंशनल एरे, हाउ कैन बी डिसाइड, हाउ कैन बी क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे। देन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं कंटेंट्स पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली आते हैं स्ट्रिंग होता क्या एग्जैक्टली। स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स, दैट मींस सेट ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यूनिकोड कैरेक्टर्स आर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट हैज वाइड एक्सेप्टेंस। देन सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर्स इनकोडिंग आर, ये पर्टिकुलर इनकोडिंग के फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर इनकोडिंग के फॉर्मेट का यूज आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए करते हो। बेसिकली UTF-9, UTF-16, UTF-33, 32, ये सब क्या है, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट है। नेक्स्ट आइए स्ट्रिंग सिंटेक्स, हाउ कैन वी क्रिएट एन स्ट्रिंग। फर्स्टली स्क्रिप्ट टैग के अंदर वेरिएबल स्ट्रिंग इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक स्ट्रिंग आपने बनाई। देन वेरिएबल स्ट्रिंग 1 str1 हेलो वर्ल्ड नेम की स्ट्रिंग बनाई। देन थर्ड प्रोसीजर है वेरिएबल str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5। ये तीनों प्रोसीजर से आप किसी भी स्ट्रिंग को बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गाइस स्ट्रिंग इम्यूटेबल। देन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल ऑन द अनचेंजेबल है यहाँ पे। एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओथ स्टेट कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर इट इज क्रिएटेड। सिंपल सी बात है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को बनाने के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ड, str0 इक्वल टू एच। str0 में दैट मीन फर्स्ट पोजिशन में आपने क्या प्रिंट कर दिया गाइस, फर्स्ट पोजिशन में आपने क्या प्रिंट कर दिया, एच प्रिंट कर दिया। देन जब आप कंसोल डॉट लॉग से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट करोगे तो फर्स्ट पोजीशन में स्ट्रिंग 0 में कैपिटल एच की जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉल। ऐसा यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग 0 में आपने एच किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में एच था, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है अनचेंजेबल होंगी क्योंकि पहली बार आपने स्ट्रिंग में ये वैल्यू को चेंज कर दिया। नेक्स्ट आइए स्ट्रिंग मेथड को देखते हैं। लेंथ मेथड, कॉन्केट मेथड, ट्रिम मेथड, रिप्लेस मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड, सब str मेथड, ये पर्टिकुलर मेथड है, इनका यूज है, वन बाय वन आप देख सकते हो। फर्स्ट लेंथ रिटर्न द स्ट्रिंग, कॉन्केट दो स्ट्रिंग को जोड़ना, ट्रिम दोनों साइड से ब्लैंक स्पेस को काटना, रिप्लेस बदलना सब स्ट्रिंग, किसी एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को काटना, सब str रिटर्न द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दोनों का वर्किंग एक है। नेक्स्ट आइए इंडेक्स ऑफ, रिटर्न द पोजिशन ऑफ स्पेसिफाइड वर्ड। लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिटर्न द लास्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वर्ड। स्लाइस, रिटर्न द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्प्लिट, कन्वर्ट स्ट्रिंग इन टू एरे। इंक्लूड, रिटर्न टू इफ स्ट्रिंग इंक्लूड द स्पेसिफाइड वर्ड। ओके गाइस, वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्टली लेंथ मेथड,
सिंपली आपने यहां पे देखा इसको यूज करने का तरीका, वेरिएबल वेरिएबल नेम इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नेम की एक स्ट्रिंग बनाई है, देन लेंथ नेम का एक वेरिएबल, देन एसटीआर डॉट लेंथ डायरेक्टली एसटीआर की लेंथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये पर्टिकुलर मेथड आपने यूज किया। देन कॉन्केट मेथड है, दो स्ट्रिंग यहाँ पे बनी हुई है, देख लीजिए हेलो और वर्ड, इन हेलो और वर्ड को डायरेक्टली यहाँ से अपने एड कर लिया है। देन अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग थ्री जितनी भी स्ट्रिंग्स को आप कॉन्केट करना चाहो जोड़ना चाहो आप यहां से डायरेक्टली जोड़ सकते हो यूजिंग विद कॉन्केट मेथड। नेक्स्ट आते हैं कॉन्केट मेथड का, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बना हुआ है, उस एग्जांपल को आप देखिए, हेलो वर्ल्ड देन वेलकम एसटीआर टू डब्ल्यूएस, आप डायरेक्टली इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, यहां से जोड़ रहे हैं और दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के यहाँ पे आप रिजल्ट को देख पाएंगे। नेक्स्ट आइए ट्रिम मेथड। ट्रिम का मतलब होता है दोनों साइड से ब्लैंक स्पेस को कट करता है, ट्रिम करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग को ट्रिम करना दैट मीन्स ब्लैंक स्पेस को ट्रिम करना। यहां से देखिए आपने str one name की स्ट्रिंग में हेलो वर्ड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में ब्लैंक स्पेस छोड़े हैं, तो ट्रिम मेथड जैसे ही चलेगा दोनों साइड के जो ब्लैंक स्पेस है उसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा, दैट मीन्स ओनली हेलो वर्ड आपको दिखेगा, राइट और लेफ्ट साइड के ब्लैंक स्पेस नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट करते हैं ट्रिम स्टार्ट टू ट्रिम लेफ्ट। ट्रिम स्टार्ट कहां से होगा, ट्रिम लेफ्ट कहां से होगा, ट्रिम लेफ्ट को ही ट्रिम स्टार्ट भी बोलते हैं। ये ट्रिम स्टार्ट का यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, दैट मीन लेफ्ट साइड से सिर्फ ट्रिम करेगा। देन ट्रिम एंड या ट्रिम राइट, ये ट्रिम एंड या ट्रिम राइट राइट हैंड साइड से भी सिर्फ कैरेक्टर को ट्रिम करेगा, और अगर आप सिंपली ट्रिम यूज करते हो तो ये बोथ साइड से कैरेक्टर को ट्रिम करेगा। ये सिंपली आप एग्जांपल के थ्रू इजी वे मैंने समझाया, इसको आप देख सकते हो। यहां से देखिए ट्रिम एंड है और ट्रिम राइट है, सेम वही प्रोसीजर है, दैट मीन्स ये तो राइट साइड से सिर्फ आपके कैरेक्टर को ब्लैंक स्पेसेस को कट करेगा। नेक्स्ट आइए रिप्लेस कमांड। किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किसी दूसरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ में रिप्लेस करना है, देन कर सकते हो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हो, देन किसी स्पेसिफाइड कैरेक्टर को भी रिप्लेस करना चाहो तो वो भी रिप्लेस करना यहां से पॉसिबल है इस रिप्लेस कमांड का यूज कर। नेक्स्ट आइए रिप्लेस मेथड का सिंपल सा एग्जाम्पल बना हुआ है, JS को JavaScript से इसने रिप्लेस किया हुआ है, सिंपल सा आप देख सकते हो, वेलकम टू JS वर्ड यहाँ पे लिखा है तो वहां पे JS की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया आपने, JavaScript। तो डायरेक्टली JS की जगह पे आपको स्ट्रिंग पे क्या दिखेगा, JavaScript। ये सिंपल सा एग्जांपल है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप लोग देखिए। नेक्स्ट आइए सब स्ट्रिंग मेथड। सब स्ट्रिंग किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से किसी भी दूसरी स्ट्रिंग को कट करना, इसके लिए दो आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है जहां से आपको कैरेक्टर्स को ट्रिम करना है, कैरेक्टर्स को बाहर निकालना है, देन सेकंड आर्गुमेंट बताता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स आपको कट करने हैं। तो यहां पे आपने str1 dot substring 0,10 लिखा है, दैट मींस रो इंडेक्स नंबर 0 से कट करना स्टार्ट करेगा और कितने कैरेक्टर्स कट करेगा, 10 कैरेक्टर्स को कट करेगा। अब आप काउंट कर लीजिए 10 कैरेक्टर्स तक, जितना भी कैरेक्टर्स इंक्लूड होंगे वो क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिम हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सब स्ट्रिंग में बन जाएगा। नेक्स्ट आइए सब एसटीआर। सब स्ट्रिंग सेम वही वर्किंग है, दोनों की वर्किंग बेसिकली सेम है, सब एसटीआर या सब स्ट्रिंग की, दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो कि आपने पिछले सब स्ट्रिंग मेथड में देखा था। नेक्स्ट आइए इंडेक्स ऑफ मेथड। विल रिटर्न द पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को आपने किस पर्टिकुलर पोजीशन पर लिखा है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की उस पोजीशन को आपको रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट वर्ड में आपने वर्ड को किस पर्टिकुलर पोजीशन पर लिखा है उसका आपको इंडेक्स नंबर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रिटर्न करके देगा, वो इंडेक्स नंबर को रिटर्न करके देगा जिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे आपने वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए लास्ट इंडेक्स का, अगर मल्टीपल टाइम्स वही वर्ड मल्टीपल टाइम्स लिखा गया है देन मल्टीपल टाइम्स लिखे होने पर लास्ट ऑकरेंस लास्ट इंडेक्स का लास्ट टाइम वो पर्टिकुलर वर्ड जिस पोजीशन पे लिखा है उस पर्टिकुलर पोजीशन के इंडेक्स आपको रिटर्न करके देता है लास्ट इंडेक्स का। नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया है गाइस, इसको आप लोग देख सकते हो, एक्सरसाइज को आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है, विल रिटर्न द पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पार्ट को एक टुकड़े को तोड़ के आपको दे देता है।
स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, स्लाइस का मतलब कट करना है, फर्स्ट से फाइव, दैट मीन फर्स्ट पोजिशन से इंडेक्स नंबर वन से फाइव कैरेक्टर को क्या करेगा, कट करके बाहर निकाल देगा। यही है स्लाइस मेथड का यूज। सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर और स्लाइस में यही अंतर है। सब एसटीआर में सब स्ट्रिंग बनने के बाद ही मेन स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट स्लाइस मेथड में मेन स्ट्रिंग में भी कैरेक्टर कट हो जाए। नेक्स्ट है स्प्लिट मेथड, स्प्लिट का भी है। स्प्लिट मेथड विद कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एरे ऑफ स्ट्रिंग, जिन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को ये कट करेगा उनका एक कैरेक्टर एरे बना देगा, उनका एक पर्टिकुलर एरे यहां पर क्रिएट कर देगा। स्प्लिट करने का भी वही तरीका है, किस पर्टिकुलर पोजीशन से किस स्ट्रिंग से कहां पे कट करना है। दोनों आर्गुमेंट देने के बाद आप किसी भी स्ट्रिंग का नेम देन पोजीशन दोगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर उस पोजीशन से उतने कैरेक्टर्स को ये कट करके आपको दे देगा और एक नया एरे क्रिएट करेगा। सेपरेटर और लिमिट, किस पर्टिकुलर पोजीशन को सेपरेट करना है और लिमिट कितनी। नेक्स्ट आइए इंक्लूड मेथड। इंक्लूड मेथड विल रिटर्न इफ स्ट्रिंग इंक्लूड द स्पेसिफाइड वर्ड एल्स रिटर्न द फॉल्स। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड अगर मिलता है तो ये पर्टिकुलर मेथड आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल सी बात है, ट्रू और फॉल्स किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर किसी एक मेथड को, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप चेक कर सकते हो। If word is available, then return true, otherwise return false. Okay guys, next exercise, look at this properly. Then exercise, look at this properly. Next concept guys, array. Array, that means set of multiple values is called a array. String kya tha? Set of multiple characters is called a string. But now in the case of array, the set of multiple values is called array. Look at this. What is an array? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर आर डिफरेंट डाटा टाइप। नेम से ही क्लियर है भाई कि एरे जो है कलेक्शन है मल्टीपल सिमिलर या डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज का। ईच डाटा इन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। डाटा के हर एलिमेंट को, एरे के अंदर के डाटा के हर एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, एलिमेंट। देन ईच एलिमेंट हैज ए न्यूमेरिक पोजिशन नोन एज इट इंडेक्स या इंडेक्सेस इन द एरे। एरे के हर पर्टिकुलर एलिमेंट को एक यूनिक पोजिशन मिलती है, यूनिक न्यूमेरिक पोजीशन मिलती है, जिसको आप क्या नाम देते हो, इंडेक्स। द इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एरे का इंडेक्स नंबर ऑलवेज कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। इन जावास्क्रिप्ट एरे इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, द टाइप ऑफ ऑपरेटर विल रिटर्न द सेम। द टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको उस पर्टिकुलर एरे के एग्जैक्ट वैल्यू को, एक ऑब्जेक्ट जैसा एरे बिहेव करता है और टाइप ऑफ ऑपरेटर उसके एग्जैक्ट वैल्यू को आपको रिटर्न कर सकता है। एरे ऑब्जेक्ट है लेंथ प्रॉपर्टी। एरे के ऑब्जेक्ट में लेंथ प्रॉपर्टी होती है जो कि उस पर्टिकुलर एरे के अंदर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट आप करके आपको देगा। इंडिसेस या इंडेक्स वही कॉन्सेप्ट है। एरे की साइज दिया 5, इसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, 4 तक। नेक्स्ट आइए गाइस, एरे का सिंटैक्स, एरे को बनाने का तरीका। वेरिएबल एरे नेम इक्वल टू इनसाइड द बिग ब्रैकेट लिस्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, कॉमा करके आप जितनी वैल्यूज देते जाओगे उतनी वैल्यूज का एक एरे डिसाइड हो जाएगा। सेकंड, क्रिएट एम्प्टी एरे। खाली एरे बनाना चाहते हो, वेरिएबल एरे नेम इक्वल टू बिग ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी से एम्प्टी एरे आपका क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आइए, यूजिंग विद कंस्ट्रक्टर भी आप एरे बना सकते हो। वेरिएबल एरे नेम इक्वल टू न्यू एरे द लिस्ट ऑफ आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स की लिस्ट दे सकते हो। या वेरिएबल एरे नेम इक्वल टू एरे देन लिस्ट का आइटम्स का, जो भी आइटम आपको सेलेक्ट करने, पूरे आइटम्स का नेम दे सकते हो। थर्ड है वेरिएबल एरे नेम इक्वल टू एरे देन एरे की लेंथ। एरे की लेंथ में यहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू इंसर्ट इनसाइड योर एरे। इस पर्टिकुलर एरे लेंथ में आप वो एलिमेंट दोगे, उन एलिमेंट की संख्या दोगे जितने एलिमेंट आप एरे के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। आगे आते हैं गाइस, एरे का एग्जाम्पल है वेरिएबल एरे। फर्स्ट तरीका है 5 वैल्यू सबने 10 टू 50 तक इंक्लूड कर दी। दूसरे तरीके से न्यू एरे का यूज करके, कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके 10 टू 50 वैल्यू से इंसर्ट कर दी। देन वेरिएबल एरे इक्वल टू एरे 3, तो ये एक पर्टिकुलर एरे कितने एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, 3 एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। नेक्स्ट आइए, एरे को एक्सेस करने का तरीका है। एरे के वेरिएबल हमने ले लिए हैं, अब आईडीएक्स इंडेक्स इक्वल टू 0 से इंडेक्स स्मॉलर देन 5, दैट मींस स्मॉलर देन 5 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स चलेगा। एलिमेंट आप देखिए और माई एरे आईडीएक्स, वो पर्टिकुलर वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी।
तो एरे में जो फाइव वैल्यूज है वो आप यहां से प्रिंट कर सकते हो। देन सेकंड लूप भी देख सकते हो, लेट आईडी एक्स इन माई एरे, इंडेक्स वैल्यू माई एरे में देखिए और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी आप यूज कर सकते हो। तो माई एरे में आपने डिफाइन कितना किया था, माई एरे में आपने डिफाइन कितना किया था, थ्री किया था ना। देन फोर सेकंड प्रीवियस प्रोग्राम में देखेंगे तो यहां पर वैल्यूज कहां तक जाएंगी, वन से लेके थ्री। नेक्स्ट करते हैं गाइस, थ्री वैल्यूज दिए हैं, वेरिएबल एरे है, स्टूडेंट 95 और ट्रू अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यू, तीनों अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यूज को भी आप नेक्स्ट एरे में आईडीएक्स के थ्रू डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। पहले स्टूडेंट प्रिंट होगा, देन 95 स्क्वायर ट्रू। सिंपली जैसा आप सिंपल एरे यूज कर रहे थे वैसे ही आप यहां पर नेक्स्ट एरे का भी यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया है, एरे के मेथड्स को देखते हैं। एरे के मेथड को वन बाय वन यहां से डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ज्वाइन मेथड, कॉन्केटिनेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इनटू लिस्ट। क्लियर है गाइस? पॉप डिलीट लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, एरे के लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, पॉप करेगा, आउटपुट करेगा, पुश अपेंड या इनसाइड न्यू एलिमेंट इनसाइड द लास्ट ऑफ एरे, एरे के लास्ट में आपको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करके देगा। सॉर्ट किसी भी पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है। रिवर्स किसी भी पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट में है उससे जस्ट अपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रोवाइड करता है। वन बाय वन देखेंगे इनका यूज। एंड शिफ्ट, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट्स टू ए लोअर इंडेक्स। फर्स्ट एलिमेंट, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा और बाकी के सभी के सभी एरे के एलिमेंट अपने इंडेक्स को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अनशिफ्ट में क्या होता, अनशिफ्ट मेथड एड एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न से न्यू लेंथ ऑफ एरे। भैया अनशिफ्ट मेथड आपके एरे में स्टार्टिंग में एक नए एलिमेंट को एड करेगा और उसके थ्रू आपके एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्लाइस मेथड क्या करेगा, एरे स्लाइस मेथड रिटर्न पार्ट ऑफ एन एरे, एरे के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को स्लाइस करके कट करके आपको दे देगा एज लाइक ए स्ट्रिंग, जैसा आपने स्ट्रिंग में स्लाइस का यूज किया था। देन स्लाइस ये नया मेथड, ये क्या करेगा, एरे स्लाइस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। स्लाइस मेथड का यूज करके आप किसी भी एरे के अंदर डायरेक्टली किन्हीं भी नए मेथड को, नए स्लाइस मेथड कैन बी यूज फॉर एडिंग एंड रिमूविंग न्यू एलिमेंट, किसी भी पर्टिकुलर नए एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हो या एड कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एरे के अंदर यूजिंग विथ स्प्लाइस मेथड। ओके गाइस, देन फिल्टर क्रिएट अ न्यू एरे विथ ऑल एलिमेंट दैट पास द टेस्ट इंप्लीमेंटेड बाय द प्रोवाइडेड फंक्शन। दैट मीन्स फिल्टर करना, छांटना, दैट मीन्स एरे के एलिमेंट में से उन पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग कर देगा जो कि आपके फिल्टर को फुलफिल करेंगे, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के, आपके क्राइटेरिया के, आपके वैलिडेशन को प्रूफ करेंगे, जो आपके वैलिडेशन पे खड़े उतरेंगे, जो आप सर्च करोगे, छांटोगे, उन पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे से रिमूव कर देगा फिल्टर। मैप क्रिएट अ न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग ए प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट इन कॉलिंग एरे। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखेंगे, क्रिएट ए न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग प्रोवाइडेड फंक्शन, दैट मीन्स रिजल्ट को कॉल करने के बाद, फंक्शन को कॉल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर्टिकुलर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक नया एरे बनाने का काम करेगा मैप मेथड। दैट मीन्स हर एरे के हर एलिमेंट से फंक्शन कॉल होने के बाद, ठीक है, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक नए एरे का यूज किया जाएगा, नया एरे बनेगा यूजिंग दिस मैप मेथड। ओके गाइस, नेक्स्ट ज्वाइन मेथड देखते हैं। फर्स्टली ज्वाइन मेथड कन्वर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे टू स्ट्रिंग एंड कॉन्केटिनेट सम, एरे के सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा एंड रिटर्निंग द रिजल्ट एज ए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के रूप में ही आपको रिजल्ट को देगा। इट बिहेव्स लाइक टू स्ट्रिंग बट वी कैन स्पेसिफाई सेपरेटर, लेकिन ये बिल्कुल टू स्ट्रिंग फंक्शन जैसा किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, बट वी कैन स्पेसिफाई सेपरेटर, लेकिन हम यहाँ पे सेपरेटर का यूज कर सकते। अब देखिए यहाँ पे फ्रूट ज्वाइन प्लस का यूज किया है,
चैट में पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट, चारों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कॉन्केट हो जाएंगे और फाइनली आपको रिजल्ट चारों का टोटल मिलेगा। चैट में बनाना ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। नेक्स्ट है पुश एंड पॉप मेथड। पुश मेथड नया ऐड करने के लिए और पॉप मेथड किसी को भी रिमूव करने के लिए। तो फर्स्टली पांच एलिमेंट लिए नम स्टैक नेम के एरे में 10, 20, 30, 40, 50। देन फर्स्टली आपने क्या किया, पॉप किया है। पॉप करते ही एक एलिमेंट आपका बाहर आ गया, एक एलिमेंट बाहर आ गया, दैट मीन जो टॉप पे है, टॉप पे अपना क्या पोजीशन होगा, 10, 20, 30, 40, 50। फर्स्टली 10 इनपुट हुआ, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50। तो 50 टॉप पे था, टॉप एलिमेंट सबसे पहले रिमूव हो गया। वो एलिमेंट रिमूव होने का जब आप प्रिंट करोगे 20, 30, 40 एंड 50 प्रिंट होगा। देन नम स्टैक डॉट पुश, आपने 100 पुश कर दिया। 100 पुश करने के बाद अब टॉप पोजीशन पे क्या आ गया, 100 आ गया। देन अब आप जब प्रिंट करोगे इसको तो सबसे टॉप में क्या दिखेगा, 100, देन 20, देन 30, देन 40, देन सॉरी 100, देन इसके बाद 40, देन 30, देन 20, देन जिस सीक्वेंस में गए उससे जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में ये वैल्यूज प्रिंट होंगी आपकी। नेक्स्ट आइए आगे गाइस, शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स दैट रिमूव द एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे, आपके इस पर्टिकुलर एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा एंड उस पर्टिकुलर रिमूव एलिमेंट को आपको रिटर्न कर। सिंपल सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के बाद उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको रिमूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आप इसको प्रॉपरली देख पा रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, तीन एलिमेंट लिए हैं एरे डॉट सिप ने, उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को बाहर कर दिया और अब आप उस एरे एलिमेंट को क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो। सिंपल सा देखिए, एरे वन नेम का एक एरे बनाया, तीन एलिमेंट लिए हैं। फर्स्ट एलिमेंट नेम का एरे लिया, वेरिएबल लिया आपने, देन एरे डॉट सिप, दैट मीन फर्स्ट एलिमेंट जाके कहां स्टोर हो गया, फर्स्ट एलिमेंट नेम के वेरिएबल में। देन कंसोल डॉट लॉग, एरे वन को आपने प्रिंट किया, फर्स्ट एलिमेंट तो चला गया, तो बचे कौन थे, टू एंड थ्री, तो टू एंड थ्री प्रिंट हुए। देन कंसोल डॉट लॉग, अब आपने फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट किया, तो फर्स्ट एलिमेंट में किसकी वैल्यू थी, एरे के फर्स्ट एलिमेंट की, और एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, वन। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वन। ओके गाइस, देन अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, जस्ट अपोजिट शिफ्ट का। द अनशिफ्ट मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ एरे। सिंपल सा बात है, इस कॉन्सेप्ट को आप यहां से देखो, सिंटैक्स एरे अनशिफ्ट है, तीन एलिमेंट को इसने अनशिफ्ट किया टू पोजिशन पे और दो और एलिमेंट एड किया 5 एंड 8, दो एलिमेंट और एड किया 5 एंड 8। इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को देख के आप इस पर्टिकुलर एरे को यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए द सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या करता है, पूरे के पूरे एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है, यहां से पूरे एलिमेंट को एक ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करता है, अब आप चाहो तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते। नेक्स्ट है रिवर्स मेथड, जस्ट अपोजिट कर देगा, जिस सिक्वेंस में वैल्यूज इनपुट हुई है उससे जस्ट अपोजिट ऑर्डर में आपको वैल्यूज मिलेंगी। जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में आपको वैल्यूज आपने इंसर्ट की है उसे जस्ट अपोजिट ऑर्डर में आपकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा, रिवर्स मेथड। एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे। देन स्लाइस मेथड, आपने पहले भी देखा था, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ ओरिजिनल एरे बाय रिमूविंग और एडिंग एन एलिमेंट। मेथड विल चेंज द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल एरे बाय रिमूविंग और एडिंग द एलिमेंट। स्प्लाइस मेथड किसी भी पर्टिकुलर एरे में नए एलिमेंट को जोड़ के या पुराने एलिमेंट को रिमूव करके आपके पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स को या एरे की विड्थ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, यह है स्प्लाइस मेथड। नेक्स्ट स्प्लाइस मेथड का यूज किया है, फर्स्टली दो एलिमेंट को रिमूव किया स्प्लाइस मेथड ने, इसके बाद आगे आके दो एलिमेंट को ऐड किया है। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट आइए फॉरइच मेथड। फॉरइच मेथड में क्या करता है, मैप। फॉरइच मेथड या मैप मेथड, मैप मेथड क्रिएट ए न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग ए प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट इन द कॉलिंग एरे। किसी भी पर्टिकुलर एरे के हर एलिमेंट पे उस फंक्शन को रन करने के बाद जो नया एरे क्रिएट होगा, जो नया रिजल्ट स्टोर होगा, जो उस पर्टिकुलर नए रिजल्ट को एक नए एरे में आपको स्टोर करके देगा, फॉरइच मेथड या मैप मेथड। नेक्स्ट यहाँ पे इसका यूज किया हुआ ये फंक्शन है, आइटम नेम के फंक्शन को स्पेसिफाइड करेगा। फंक्शन को स्पेसिफाइड करने के बाद जो पर्टिकुलर एलिमेंट उस फंक्शन की वर्किंग को, उसके फंक्शन की वैलिडेशन को फुलफिल करेंगे, वो वर्किंग, वो पर्टिकुलर फंक्शन जाके एक नया एरे क्रिएट करेंगे।
नेक्स्ट है फिल्टर मेथड। दिस मेथड क्रिएट ए न्यू एरे, दैट मीन्स एक वैलिडेशन के थ्रू जितने पर्टिकुलर वैल्यूज, जितने पर्टिकुलर एलिमेंट आपके वैलिडेशन को, आपके फिल्टर को, आपकी वर्किंग को, आपके फंक्शन को फुलफिल करेंगे, उन पर्टिकुलर फंक्शन को, उन पर्टिकुलर एलिमेंट का एक सेट आप क्रिएट कर लोगे, एक नया एरे बनेगा। यहां से देखिए फिल्टर नेम का एक फंक्शन है, उस पर्टिकुलर फंक्शन में आप जो भी कॉन्सेप्ट यूज करना चाहोगे वो फंक्शन, वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते। नेक्स्ट आगे आते हैं गाइस, फिल्टर मेथड का यूज करके वैल्यूज आपने दी गई है, एलिमेंट डॉट लेंथ अगर फिक्स है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, सिंपल सी बात, जो एलिमेंट इनपुट हुआ है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की लेंथ अगर बड़ी है 6 से तो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो इसमें से सिर्फ 2 है जिनकी एलिमेंट की लेंथ जो है 6 से बड़ी है, तो दोनों लास्ट वाले एलिमेंट आपको प्रिंट हो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी सा फंक्शन है, इसकी वर्किंग भी बिल्कुल इजी है। आपने फंक्शन क्या दिया, वर्ड नेम का फंक्शन है जिसका वैलिडेशन आपने दिया है कि एलिमेंट की लेंथ बड़ी होनी चाहिए 6 से। तो पहली वैल्यू है लिमिट, जिसका लेंथ क्या है 5, सेकंड है लाइट, इसका भी लेंथ क्या है कम है 10, लेफ्ट थर्ड जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ बड़ा है 6 से, लास्ट वाली स्ट्रिंग है उसका लेंथ बड़ा है, ये दोनों रिजल्ट में आपको शो होंगे। एक्सरसाइज है गाइस, ध्यान से देखेंगे। मैथ मेथड, मैथ मेथड क्रिएट ए न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग ए प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट इन द कॉलिंग एरे। सिंपल सा देखिए, कॉलिंग एरे इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करके, मैथ मेथड का यूज करके आप किसी भी एरे के मेथड को क्रिएट, इस पर्टिकुलर मैथ मेथड का यूज करके आप अपने वैलिडेशन के अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग एक नया एरे क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट है मैप मेथड का यूज करके आप एग्जांपल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। एक एरे बना हुआ है, फंक्शन डबल मेथड है, रिटर्न 2 इनटू करंट आइटम, करंट आइटम में 2 को ऐड करके एक नया एरे आप यहां से क्रिएट कर सकते हो, और इस पर्टिकुलर डबल एरे को आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। सिंपल सा है, एक पर्टिकुलर एरे के पूरे एलिमेंट्स को लेके एक नया वैलिडेशन देके आप एक नया एरे क्रिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात है मल्टी डायमेंशनल एरे का, अभी तक सिंपल डायमेंशनल एरे हमने डिस्कस किया था, नाउ देखते हैं मल्टी डायमेंशनल, दैट मीन्स 2 डायरेक्शन में रो एंड कॉलम वाइज बोथ साइड में ये एरे मूव करेगा। इसका डिक्लेयर करने का तरीका देखिए, फर्स्ट ब्रेक ब्रैकेट के अंदर ब्रेक ब्रैकेट, दैट मीन्स फर्स्ट ब्रेक ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में क्या क्या वैल्यू होंगी 10, 20, 30। दैट मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में वैल्यू हुई 10, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में वैल्यू हुई 20, देन फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में वैल्यू हुई 30, देन कॉमा सेपरेटर, अगेन बिग ब्रैकेट लगा है, देन रो, यहां से जैसे ही आपने कॉमा लगाया यहां पे बिग ब्रैकेट क्लोजिंग के बाद, तो ये सेकंड रो स्टार्ट हो गई, देन बिग ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम स्टार्ट हुआ फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू 40, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में वैल्यू 50, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में वैल्यू 30, सेकंड रो भी यहां से क्लोज हुई, थर्ड रो स्टार्ट हुई, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में 70, थर्ड रो के सेकंड कॉलम में 80, और थर्ड रो के थर्ड कॉलम में वैल्यू 90 यहां से आपने इनपुट कर ली। देन फर्स्ट रो इंडेक्स, फर्स्ट आईडीएक्स किसके लिए चल रहा है, रो के लिए, सेकंड जेडीएक्स किसके लिए चल रहा है, कॉलम के लिए, रो कॉलम की वैल्यू को आप यहां से इजी वे में प्रिंट कर पा। ओके गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये इसके एग्जांपल है, इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखेंगे और इस पूरी की पूरी वर्किंग को आप एक बार रिव्यू करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एरे का, एरे के अंदर आप सिंपल सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल दोनों टाइप के एरे और एरे के मेथड का यूज कर सकते हो। इसी के साथ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शंस का भी इजी वे में हमने इंप्लीमेंट करके यूज किया हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग दिस रेगुलरली।